जय दोस्तों, मैं मुकेश श्रीवास्तव और इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता ही है कि मैं लगातार बीपीएससी और बिहार दरोगा से संबंधित वीडियो आपके सामने लेकर आ रहा हूं। और आज का जो टॉपिक है वो है बिहार के प्रमुख खनिज, यानी कौन कौन सा खनिज का उत्पादन बिहार में होता है और किस जिला में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, यहाँ इसको देखना जरूरी है। और साथ में खनिज के साथ साथ मैं एक लेकर चल रहा हूँ, बिहार के प्रमुख खान। अब ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ बिहार के खनिज से ही पूछेगा एग्जाम में, भारत से भी पूछ सकता है, तो दोनों को देखना जरूरी है। साथ में मैं ये भी बताऊंगा कि भाई कुछ ऐसे खनिज हैं जो बहुत सारे जिला में होते हैं और क्वेश्चन भी ऐसे पूछता है, तो पहले उस पे चर्चा लोग लगते हैं। जैसे मान लेते हैं, अगर पूछ दिया अब्रक का उत्पादन किस जिला में होता है, अब किस जिला में होता है, अगर दे देगा ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी जमुई, ऑप्शन सी दोनों, या ऑप्शन डी मतलब इनमें से कोई नहीं, तो जो सी वाला ऑप्शन होगा ना, दोनों वाला, वो सही होगा। या कभी कभी आपका लास्ट वाला डी ऑप्शन होता है उपरोक्त सभी, तो उसका जवाब उपरोक्त सही सभी होगा। इसलिए मैं कहूंगा, अगर आपको याद करना हो तो कैसे याद करें, सभी नोट्स को शॉर्ट बनाइए। शॉर्ट बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, वो खनिज देखिए जो मात्र एक जिला में हो रहा हो, उसको जल्दी से याद कर लीजिए। अगर वो फैक्ट याद हो जाता है तो आप आसानी से बहुत सारे क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। चलिए पहले देखते हैं। देखिए भाई, बिहार तो अभी ऐसे भी कृषि प्रधान है और कृषि ही ज्यादा है, क्योंकि झारखंड अलग होने के बाद बहुत सारे खनिज जो है झारखंड में चला गया और जो कुछ खनिज वाला जो स्टेट बचे हैं, जिला बचा है, वो आपके बिहार में है। ऐसे 8 से 9 जिला जो है वहीं पर ही, 9 जिलों में ही लगभग खनिज आपको मिलते हैं, लगभग इस वाले भाग में, ठीक, यानी दक्षिणी बिहार में। उत्तरी बिहार में बहुत ना के बराबर आप कह सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा खनिज सबसे ज्यादा हो रहा है। यहां पर देखिए रोहतास, अगर रोहतास से पूछेगा तो भाई चूना पत्थर रोहतास में सबसे अधिक, गंधक रोहतास में अधिक, और डोलोमाइट, ठीक है, चूना पत्थर, डोलोमाइट और गंधक, ये तीनों बहुत फेमस है और हमेशा पूछता है। उसके बाद अगर बोलेगा कि भाई बिहार में कोयले का उत्पादन किस जिला में सबसे अधिक होता है, तो आप कहिएगा औरंगाबाद। ठीक, फिर से तो मैं पूछने का बीमारी है, पूछते रहता हूं, इसलिए आप ये मन में बोलिएगा कि भाई हाँ इसका ये होगा। ठीक है, ये बताइए चूना पत्थर कहां, डोलोमाइट कहां, उसके बाद देखते हैं कोयला कहां, औरंगाबाद। उसके बाद ये देखिए गया, गया में बहुत सारे खनिज का उत्पादन होता है, जैसे कि टीन का, यूरेनियम का, थिलियम का और सिलिमेटाइट का। ठीक, ये मैंने काले रंग से लिखा हुआ है, कुछ ब्लू रंग से लिखा हुआ है, जैसे कि अब्रक। अभी क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये दो चीज का अदर जिले में भी उत्पादन होता है, लेकिन जब ये जब देखते हैं तो आपका सबसे ज्यादा अधिक से अधिक क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, गया। ठीक, आगे देखते हैं जमुई, जमुई में क्या मिलता है, तो सबसे ज्यादा मिलता है सोना, एक सोनी जगह है जमुई में, एक करमटिया कुछ नाम से एक जगह है, वहां पे सोना का उत्पादन होता है या भंडार पाया जाता है। उसके बाद आगे देखिए भागलपुर, भागलपुर में क्या मिलता है, शीशा बोल सकते हैं या कांच पत्थर। उसके बाद ये मुंगेर भी बहुत फेमस है, एक आपका गया देख लीजिए इतना सारा मिल रहा है, दूसरा देखते हैं मुंगेर, जैसे कि क्वार्टजाइट, ठीक, पोर्सेलिन, एस्बेस्ट, इसके बाद फायर क्ले, ब्लू में लिखा हुआ है इसका मतलब अदर जिला में भी मिलेगा, खनिज तेल, उसके बाद बक्साइट और मैग्नीज। तो जो सर्वाधिक है मैंने वही टारगेट किया है, ऐसे जल्दी याद होता है, बाकी आप डाटा देखते रहिए, दावा ठोकता हूं मैं आपको याद नहीं होगा। उसके बाद यहां पे देखिए पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, ये सब जगह मिलता है क्या, सोडियम लवण, या उसको हम सोरा भी कह सकते हैं। क्लियर, तो ये वाला भी बीबीआई है, क्लियर है ना। फिर से कोयला कहां, औरंगाबाद, उसके बाद काजपत्र कहां, भागलपुर, और सोना कहां, जमुई। इधर देखते हैं, मैंने कहा कि भाई ये सबसे ज्यादा महत्व रखता है, क्यों महत्व रखता है, आईएएस का एग्जाम हो, कोई भी पीसीएस एग्जाम हो, एसएससी हो, रेलवे हो,
ये खान इतना बार एग्जाम में आ चुका है कुछ करने को नहीं, इसलिए ये तो भाई किसी तरह से आपको याद होना ही चाहिए। तो जैसे देखिए रानीगंज पश्चिम बंगाल में, झरिया झारखंड में, यहाँ क्या अधिक मिलता है तो कोयला। उसके बाद घाटशिला झारखंड में है, और खेतड़ी राजस्थान क्या मिलता है जी, तांबा मोस्ट फेमस है। यहाँ देखिए कोलार, कोलार कर्नाटक और हट्टी भी कर्नाटक, कोलार हट्टी कोची तो सोना। नेक्स्ट बेलाडीला छत्तीसगढ़ में है, और यहाँ मिलता है लौह अयस्क, ये भी बहुत फेमस। जादूगोड़ा झारखंड में क्या मिलता है, यूरेनियम। पन्ना मध्य प्रदेश में क्या मिलता है, हीरा। और जावर, जावर जो राजस्थान में है क्या मिलता है, जस्ता। और जस्ता के साथ साथ सीसा भी मिलता है, इसलिए इनको जुड़वा खनिज बोला जाता है। किसको, जस्ता और सीसा को। तो ये छोटे छोटे वीडियो आपके लिए बहुत काम आएंगे। और मैं एक चीज और भी कहना चाहता हूँ, बहुत से बच्चे अजीब, जैसे कि देखिए आप खुद आप आकलन कीजिए मेरे बातों को, अगर गलत है तो गलत बोल दीजिएगा कमेंट करके, हाँ सर आप गलत हैं। देखिए मोबाइल एक ऐसा चीज हो गया है जो आप बहुत सारे वीडियो देखते हैं, मेरा ही वीडियो देखते हैं आप, भले कहीं ऐसा आपका वीडियो देखना छोड़ देते हैं। दो दो घंटा तीन तीन घंटा वीडियो देखने से अच्छा है कम देखिए, कम देखकर नोट्स बनाइए, लिखिए। आप प्राचीन सभ्यता से ही मान के चलिए, बहुत जो पुराने लोग हैं वो सब आपको बताएंगे। देखिए देखने से, सुनने से, लिखने से और बोलने से, ये चारों इंद्रियां काम करेगा तभी कोई चीज याद होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, लिखते नहीं है, बोलते नहीं, किसी से पूछते नहीं है, तो याद नहीं होगा। तो आप किसी डाटा को आप देखिए, बहुत आपको क्या लगता है बस ऐसे ही लिख दिया गया है कहीं से भी नोट करके, नहीं ऐसा नहीं है जी। जितने डाटा है ना, बहुत से बुक से है, चार पांच बुक को पूरा देखते हैं हम लोग, उसके बाद वहां पे लिखते हैं, बहुत रिसर्च करने के बाद यहाँ पे लिखा जाता है, तब जाकर आपको हम लोग बताते हैं। तो इन डाटाओं को हम लोग का जो चार पांच बुक का मेहनत है वो शॉर्ट में करके आपके सामने प्रेजेंट हो रहे हैं, उसके बाद आपको दे रहे हैं। तो आप उसको लिखिए, बनाइए और किसी से पूछिए, तब ज्यादा फायदा होगा। एक चीज और भी है, आप लोग बहुत सारे यूट्यूबर या बहुत सारे लोग पीडीएफ खिला खिला करते हैं। अच्छा आज का करंट अफेयर आ गया, पीडीएफ कहाँ है सर, पीडीएफ मिल गया। आप सच बताइए कितना पीडीएफ पढ़ते हैं आप? आपके पास 10 पीडीएफ भी है, कितने पीडीएफ को आप 2 घंटा रिसर्च किए होंगे या लिखे होंगे या पढ़े होंगे? आप पीडीएफ लेते हैं और बहुत खुश, मेरे पास फलाना का पीडीएफ है, उसके बाद आप व्हाट्सएप में फॉरवर्ड करते हैं, लेकिन आप पढ़ते नहीं हैं, क्योंकि वो दूसरा मेहनत किया हुआ है और उसको शॉर्ट में बहुत मेहनत करके आपको दे दिया है, लेकिन आप मेहनत नहीं कर रहे हैं। यानी सुविधा बहुत ज़्यादा हो चुका है और आपके मेहनत कम हो गया है, और मेहनत जब कम होता है तो आपका रिजल्ट भी रुकने लगता है। अगर मेरा बात गलत है तो बोल दीजिए, बिल्कुल आप सर गलत है, अगर सही है तो प्लीज़ आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि सर बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। चलिए फिर, जय हिंद।